एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए पीहू कैसे बैठी है कार्टून के चक्कर में। तो जब ये कार्टून देखती है तो इसका ध्यान कहीं भी नहीं जाता है, अदरवाइज इसको पता नहीं है इस टाइम की मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ बोल देती है। तो ये देखिए मेरी क्लीनिंग शुरू हो गई है, मतलब ख़त्म भी हो गई है, ये मेरे क्लीन हो चुके हैं दोनों रूम, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। मैंने टॉवल रखी है बेड पर अलग से, क्योंकि अभी नहाने का बाकी रह गया है, तो टॉवल निकाल के रखी है दोनों के पीहू के लिए और मेरे भी। तो ये देखिए अब मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मैं आज क्लीनिंग में थोड़ा लेट होगी, 10:30-11 बज रही है इस टाइम, क्योंकि 10:30 के बाद धूप आती है हमारी, 10 के बाद। तो ये जो मैंने कपड़े सुखाने को डाले, ये मैंने बेड से निकाले आज। तो बेड में अजीब सी जो स्मेल रहती है सीलन सी, तो मैंने सोचा सुखाने को डाल दी। ये सारी स्वेटर जैकेट हैं ये मेरे और जू के पापा के, तो मैं उसको धूप में सुखा देती हूँ। ये सामने वाले घर में कितने सारे कपड़े डाले थे धूप के, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, नहा ली हूँ और अब हेयर वॉश नहीं किए मैंने, बस हेयर ऑयलिंग की है। तो ये पीहू देखो, ये भी नहा रही है, कपड़े पहन रही है। तो हीटर का यूज़ करना शुरू कर दिया, सिर्फ हम हीटर जब नहा के आते हैं तो तब सेकते हैं, मुझे हीटर सेकना ज़्यादा पसंद नहीं है। अभी मैं फेस पैक बना रही हूँ, तो वो लगाऊंगी और अभी कॉम्ब करूंगी और फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद व्लॉग, अभी जस्ट मुझे आज का व्लॉग भी एडिट करना है आज के लिए, जो कल का है वो एडिट करके फिर अपलोड करूंगी, देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट। तो यहाँ मैं बना रही हूँ फेस पैक, जिसके लिए मैंने दो चम्मच कच्चा दूध लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी टोमेटो का रस। तो इसमें थोड़े बीज भी निकल गए थे, तो चलता है सब कुछ है। तो मैंने ऐसे ही दो चम्मच में रस ले लिया है थोड़ा थोड़ा करके, तो ये इसको मिक्स करूँगी और थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करूँगी और थोड़ी चुटकी भर हल्दी डालूँगी, तो मेरा फेस पैक बनकर हो जाएगा रेडी। क्योंकि मैंने बहुत सुना है फेस पैक के बारे में, काफ़ी इफेक्टिव है, वैसे हल्दी भी बहुत अच्छी होती है हर फेस के लिए, और बेसन और कच्चा दूध भी। तो मैंने सोचा मैं लगा के देखती थी, क्योंकि आजकल मेरे फेस में बहुत सारी झाइयाँ हो रही हैं। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अपने फेस पैक, अप्लाई कर दूँगी अपने फेस पर और फिर उसको सूखने दूँगी। मैंने ज़्यादा घना नहीं किया था, थोड़ा पतला सा ही रखा था। तो यहाँ पर फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ, देन उसके बाद सूखने दूँगी और आपके साथ मैं लाइव रिजल्ट दिखाऊँगी। मैं सामने कैमरे के सामने वॉश करूँगी फेस को। तो ये देखिए मैं फेस वॉश कर रही हूँ, मैंने एक हैंकी लिया है सॉफ्ट वाला, तो उसको मैं पहले गीला कर लूँगी पानी से, तो देन उसके बाद फेस को उससे साफ कर लूँगी। तो रिजल्ट आप खुद देख सकते। देखो अभी मैंने कपड़े धोए हैं, ये सारे कपड़े मैंने अभी धोए हैं, और ये वाले जो मैंने आज बेड बॉक्स से निकाले थे कुछ स्वेटर्स हैं, ये मुझे अभी अंदर तय करनी है, तो अभी मैंने उठा के यहाँ रख दिए हैं। तो चलिए ये दिखे सारे कपड़े, लो बेटा गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सोच रहे होंगे कि ये घर पर भी मास्क लगा के रखती हैं, तो मुझे ना खांसी सी हो रही है, मतलब वैसे तो कुछ दिनों से हो रही है, तो मैंने सोचा कि उन्हें सेफ्टी बरती जाए। तो अभी जस्ट खाना खा के फ्री हुए हैं और अभी मुझे अपना स्किन केयर करना है, मैं शाम को सोते वक्त या तो फिर आजकल लगा रही हूँ, वैसे मैं बीच बीच में लगाती हूँ बीच में नहीं लगाती हूँ, या फिर एलोवेरा जेल लगाती हूँ, और आजकल मैं लगा रही हूँ नारियल का तेल सोते हुए,
तो वो अच्छा रहता है हाथ पैर के लिए भी और फेस में भी, मैं वही लगा रही हूँ क्योंकि ये मेरे फेस पे ना कुछ उछाइयाँ सी हो रही है। तो अभी जो मैंने आज पैर बॉक्स से कपड़े निकाले थे धूप में, तो वो मैंने तय नहीं लगाया, अभी कुर्सी पर ही रखे उठा के, और अभी मैंने जस्ट कपड़े धोए, एक बाल्टी कपड़े तो कल की धुलने को दे, तो मैंने आज नहीं धोए थे क्योंकि मेरा अचानक से कल घर जाने का प्रोग्राम बन गया, तो फिर मैंने सोचा फिर कौन धोएगा तो धो लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से गर्म पानी किया, गर्म पानी बटी पिए, देन उसके बाद अभी धो के फ्री हुई, अब खाना खा के फ्री हुई, किचन की क्लीनिंग होगी मेरी, अब मैं जो बाहर कपड़े पड़े वो उठाऊँगी, बस वो रख दूँगी बेड में, और देन उसके बाद मुझे थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करनी है, मतलब ऑयल नारियल का तेल ही लगाना है, तो उसके बाद मैं सो जाऊँगी और ब्लॉग का एंड भी मैं यही कर रही हूँ। कल आपको मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। आपने ना मुझे जो मेरा हेयर कट वाला व्लॉग है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे, और बहुत अच्छा प्यार मिला है मुझे, वॉच टाइम भी अच्छा मिला है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो पीछे इग्नोर करना, पीछे कार्टून की वॉइस आ रही है, फिर उन्हें कार्टून लगाया है तो क्या सुनना है, है? तो चलिए फिर कर देते हैं व्लॉग का एंड, और कल मिलूंगी आपको। कल मैं घर जाऊंगी, भी यही रहेगी तो मैं ही जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है घर में, फिर मैं 2-3 दिन बाद वापस आ जाऊँगी। तो चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।